नमस्कार, दाएंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर, डील को रद्द करने की मांग गरमाई सियासत। राजस्थान में कांग्रेस के टिकटार्थियों का फैसला, अब राहुल गांधी के हाथों में केवल जिताऊ उम्मीदवार पर खेला जाएगा दांव। सूबे के दो बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को बताया हत्यारी, सीकर मामले को लेकर सरकार पर साधा निशाना। और जयपुर के खो नागौरियान में 8 साल की मासूम की नरसंहार हत्या, 2 सप्ताह से थी घर से लापता, पत्थरों के नीचे दबा मिला शव। बहुचर्चित राफेल लड़ाकू विमान डील विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने याचिका दायर कर इस डील को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने अपील की है कि राफेल की पुरानी डील को बहाल किया जाए और नई डील को रद्द कर दिया जाए। संजय सिंह से पहले वकील विनीत ढांडा ने याचिका दायर करते हुए मांग की है कि फ्रांस और भारत के बीच आखिर क्या समझौता हुआ है, उसे सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा मांग की गई है कि राफेल की वास्तविक कीमत भी सभी को बताया जाए। गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हुए हमले के बाद वापस घर लौट रहे उत्तर भारतीयों को लेकर मामले गंभीर हो चले हैं। इन हमलों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात सीएम विजय रूपाणी से बात की। वहीं गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप जडेजा भी ऐसे मामलों पर सरकार का पक्ष रखने सामने आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो चुनाव में जीत नहीं पाए हैं, वह हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों के हमलों के डर से घर वापस लौटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की है, हम उनसे संपर्क में हैं और वे हालात पर नज़र रखे हैं। जिन्होंने हमले किए हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा है कि यदि मुंबई में उत्तर भारतीय काम करना बंद कर दे तो पूरा शहर ठहर जाएगा, लोगों को खाना तक नसीब नहीं होगा। कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष निरुपम ने किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना ही कहा कि उत्तर भारतीय समुदाय को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय समुदाय ने मुंबई और महाराष्ट्र के प्रति हमेशा आभार प्रकट किया है। उत्तर भारतीयों के एक कार्यक्रम में निरुपम ने कहा कि उत्तर भारतीय समुदाय मुंबई के लोगों की जिंदगी चलाता है और उनके कंधे का बोझ रोता है। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नागपुर से एक कथित आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। निशांत अग्रवाल नाम का यह शख्स नागपुर की ब्रह्मोस यूनिट में काम कर रहा था। उस पर आरोप है कि ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट में काम करते हुए उसने ब्रह्मोस संबंधी तकनीकी और अन्य खुफिया जानकारी पाकिस्तान और अमेरिका को पहुंचाई है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, इसके साथ ही उसके बारे में और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने क्या क्या सूचनाएं लीक की हैं। कथित आईएसआई एजेंट के उत्तर प्रदेश एटीएस और सैन्य खुफिया अधिकारियों के संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि निमोनिया के चलते उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि 5 सितंबर को भी दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले भी दिलीप कुमार को अगस्त के पहले वीक में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले उनकी डिहाइड्रेशन के चलते तबीयत बिगड़ गई थी। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार की तबीयत बीते कुछ सालों से ठीक नहीं चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस न तेरा आदमी न मेरा आदमी फॉर्मूले पे काम करेगी। यदि कोई पदाधिकारी किसी उम्मीदवार की पैरवी करता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये फैसला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में एक मत से टिकट फाइनल करने के लिए राहुल गांधी को अधिकृत किया गया। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, कुमारी शैलजा सहित अन्य पदाधिकारियों ने चुनाव में टिकट वितरण को लेकर मंथन किया। बैठक खत्म होने के बाद गहलोत और कुमारी शैलजा ने सभी दावेदारों से मुलाकात की। हमने ये भी कहा है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो वो पूरी जिम्मेवारी से ले। विनेबिलिटी क्राइटेरिया है कि जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। अगर कोई भी सुझाव देता है
इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेवारी से वो किसी का भी नाम ले। इस बार हमने केवल विनेबिलिटी को रखा है। बैठक में 44 में से 41 सदस्य पहुंचे। बैठक में ये फैसला लिया गया कि चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, साथ ही टिकट वितरण में पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग हुई, एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें सभी मेंबर्स ने सर्वसम्मति से ये कहा कि अंतिम निर्णय उम्मीदवारों के बारे में हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी पर छोड़ा जाए, वही चयनित करें उम्मीदवारों को और उन्हीं का निर्णय फाइनल हो। जहाजपुर से कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर ने करीब 2 सप्ताह से ज्यादा चला अपना अनशन तोड़ दिया। धीरज गुर्जर से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने उनका जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इस मौके पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। धीरज गुर्जर 15 सूत्री मांगों को लेकर अनशन पर थे। तबियत बिगड़ने के बाद एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोकतंत्र में कोई हड़ताल करे, धरना दे, उपवास करे, उसको कोई मायने नहीं रखता है। आपको याद होगा आज तो मैं धीरज गुर्जर जी का अनशन तोड़वाया 12 दिन के बाद में। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कृपा करके भैया, ये सरकार समझहीन है और हम सब आपके साथ में आपके मांगों के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे आगे भी। परंतु आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा गुरचंद छाबड़ा जी का किस्सा। वो बीजेपी के MLA रहे थे, मैं जब मुख्यमंत्री था तो 3 बार उन्होंने हड़ताल करी थी, भूखहड़ताल करी थी। 3 बार मैं आके SMS में मिला, उनसे समझाइश करी, एग्रीमेंट किया, उनकी भूखहड़ताल उपवास तोड़वाया मैंने उससे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्य सचिव DB गुप्ता को भी सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि DB गुप्ता को प्रदेश में खुद के स्तर पर काम करना चाहिए। अब चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, अब आप मुख्यमंत्री चिंता छोड़ो, चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी है कि वो राजस्थान में क्या क्या कमियां हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर उसको दूर करे, जनता को सुरक्षा प्रदान करे, जनता को यकीन दिलाए कि सरकार पूरा ध्यान रखेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या मामले में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि सीकर की घटना निंदनीय है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इस मामले के बाद तो शर्म आनी चाहिए। अब बताइए राजस्थान में बचा क्या है? अब तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के लोगों पे कृपा करनी चाहिए। उनके राज में अगर पुलिस वाले, थानेदार भी, SHO भी सुरक्षित नहीं है तो क्या उनको अधिकार है शासन करने का? इसका जवाब मुख्यमंत्री दे। सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यक्तिगत हित साधने के लिए आम जनता की अनदेखी कर रही है। आज जनता पूछ रही उनसे, आप गौरव यादव निकालती जा रही हो, वो क्या राजस्थान के अंदर त्राई त्राई मची हुई है, चारों ओर कर्मचारियों के, विभिन्न संगठनों के स्ट्राइक हो रही है, सरकार पूरी तरह, सरकार का शासन ठप हो गया है राजस्थान के अंदर, शासन नाम की चीज नहीं रही राजस्थान के अंदर, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में राजस्थान चल रहा है और मुख्यमंत्री जी कभी गौरव यात्रा, कभी उसका उद्घाटन, कभी उसका समापन, उस पर टाइम वेस्ट कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को धौलपुर में रोड शो करेंगे, इसके बाद महुआ में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह वे जयपुर में 2 कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर में बीकानेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कल का है, कल सुबह राहुल गांधी जी धौलपुर आएंगे, मनिया में पहली मीटिंग है, मनिया के बाद बाड़ी, बसेड़ी, बयाना, वैर, इन सभी जगहों पर जन संबोधन करेंगे, लोगों से मुलाकात होगी और 3 जिलों को टच कर राहुल गांधी जी करेंगे, धौलपुर, भरतपुर और दौसा। नाइट हॉल्ट उनका महुआ में रहेगा और कल सुबह, परसों सुबह जयपुर में 2 कार्यक्रम है, उसके बाद दोपहर को वो यहाँ से बीकानेर जाएंगे और बीकानेर में एक बहुत बड़ी संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। ये 2 दिन का प्रोग्राम है राहुल गांधी जी का,
और सब तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। राजधानी जयपुर के खोर नागौरियन थाना इलाके में बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना मदीना नगर की है, जहां करीब 2 सप्ताह से लापता बालिका का शव पत्थरों के नीचे दबा मिला। बच्ची का 2 सप्ताह पूर्व घर के पास से अपहरण हो गया था। एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे किसी ने पत्थरों के नीचे शव दबा देखकर पुलिस को सूचना दी। मृतका की पहचान 8 वर्षीय मधु पुत्री मिंटू के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो 8 वर्षीय मधु अपने परिवार के साथ खौर नागौरियन इलाके में घाटी करोलान में रहती थी। बीती 25 सितंबर को मधु अपने पिता के लिए खाना लेकर दुकान देने जाने को निकली थी, लेकिन वह अचानक लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब बालिका का कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर करते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस की माने तो बालिका की हत्या कर शव को पत्थरों के नीचे दबाया गया। राजधानी जयपुर में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने जमकर धमा चौकड़ी मचाई। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस व्यवस्था को धता बताते हुए 7 पुलिस थाना क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दिया। करीब 15 किलोमीटर की दूरी में बदमाशों ने अलग अलग स्थानों पर आधा दर्जन से अधिक लोगों से मोबाइल छीन लिए। पुलिस नाकाबंदी करवाती रही और बदमाश आगे बढ़कर वारदात पर वारदात करते रहे। आखिर में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार 3 बदमाशों को दबोच लिया और उनसे लूट के 8 मोबाइल भी बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार रात करीब 11:30 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने विश्वकर्मा में एक राहत चलते युवक का मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। इसके बाद पानीपेच पोलोवेक्ट्री सिनेमा के नजदीक वारदात को अंजाम दिया, जहां से बदमाश जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर एक युवक से मोबाइल छीन लिया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मोती डूंगरी रोड पर इसी तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ भागने लगे। यहां पर पुलिस की नाकाबंदी तो बदमाश तोड़ नहीं पाए और पुलिस ने 3 को बाइक के साथ दबोच लिया। राजधानी जयपुर स्थित तो उच्च न्यायालय परिसर में लगी मनु मूर्ति पर 2 महिलाओं ने कालिक पोत दी। दिन के समय सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए महिलाओं ने काली स्याही फेंक कर मूर्ति को रंग दिया। इसके बाद वहां वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची अशोकनगर थाना पुलिस ने मूर्ति पर कालिक पोतने के आरोप में 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। दोनों की पहचान बिहार के औरंगाबाद निवासी के रूप में हुई है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर हाईकोर्ट परिसर में मनु स्मृति और मनु मूर्ति को हटाने का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। पिछले साल एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहां से मनु स्मृति और मनु मूर्ति हटाने के लिए जन आंदोलन की घोषणा की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया। इससे अब इस भर्ती का रास्ता साफ होने से अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल सकेंगी। फैसले से राज्य सरकार को भी काफी राहत मिली है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के मामले में महेंद्र जाटोलिया व अन्य याचिकाकर्ताओं ने समानीकरण व बोनस अंक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि रीट 2017 में पेपर में हार्ड मार्किंग की गई है, लिहाजा इसी तर्ज पर पूर्व में हुई आरटेट 2011 व 2012 तथा रीट 2015 के आधार पर इसका समानीकरण किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।